ओके शुरू करते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इस चैप्टर को देखेंगे। ये जो तुम्हारा जो सिलेबस है जेटी के अकॉर्डिंग, सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है द फंडामेंटल्स एंड टाइप्स ऑफ द मैकेनिज्म, चैप्टर वन पढ़ना है। चैप्टर टू पढ़ना है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन द मैकेनिज्म। थर्ड चैप्टर पढ़ना है कैम एंड फ्लोवर। फोर्थ में पढ़ना है पावर ट्रांसमिशन। ये चैप्टर है, इसके अंदर जो जो पढ़ना है वो बाद में डिस्कस करेंगे। चैप्टर फाइव में पढ़ना है फ्लाई व्हील्स एंड गवर्नर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। चैप्टर सिक्स में पढ़ना है ब्रेक्स, डायनामिक क्लचेस एंड बियरिंग्स के बारे में पढ़ना है। चैप्टर सेवन में बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशंस पढ़ना है। और चैप्टर एट में जायरोस्कोप पढ़ना, जो किसी इंट्रोडक्शन पढ़ना है तुम लोग को है इस जेईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब किसी को अगर एसएससी के एग्जाम में प्रिपरेशन करना है, जिसको अगर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी अभी से ही करना है, और मैं तो राय है कि तुम लोग को अभी से ही लग जाना होगा, यहाँ तक 6 महीना वेस्ट हो चला गया तुम लोग का, तो अभी भी टाइम है तुम लोग पास, एक साल प्लस 6 महीना। तो अगर किसी को एसएससी का तैयारी करना है तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एसएससी का सिलेबस है तुम मैच करा सकते हो कि क्या क्या टॉपिक्स है। देखते क्या चीज है कि थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन, ओके, एंड कंसेप्ट ऑफ सिंपल मशीन्स एंड फोर बार लिंकेज एंड लिंक मोशन। तो यहाँ से लेके जो चैप्टर है, हम कलर पेंसिल यूज करेंगे, तो ये पॉइंट जो है थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन्स कंसेप्ट एंड सिंपल मशीन्स एंड फोर बार लिंकेज एंड द लिंक मोशन, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो तुमको चैप्टर वन मिलेगा। ओके, इस चैप्टर का पार्ट है। ओके, उसके बाद देखोगे फ्लाई व्हील्स एंड फ्लक्चुएशंस ऑफ द एनर्जी, ये तुमको मिल जाएगा, इस चैप्टर का पार्ट है। ओके, उसके बाद देखोगे फिर पावर ट्रांसमिशन का जो टॉपिक है, पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट, वी बेल्ट एंड फ्लैट बेल्ट, ये तुमको पावर ट्रांसमिशन इस टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद क्लचेस एंड प्लेट एंड कॉनिकल क्लच, जो क्लच के बारे में पढ़ना है, ये तुमको पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके, उसके बाद तुम्हें जो गियर पढ़ना है, गियर का टाइप, जो हम गाड़ी में गियर लगाते हैं, गियर वन, गियर टू, गियर थ्री, जो भी पढ़ना है वो गियर प्रोफाइल एंड गियर रेशियो एंड कैलकुलेशंस, जो भी जो गियर का पार्ट है वो भी तुमको गियर में ही पढ़ना, जो पावर ट्रांसमिशन है इसी में तुमको गियर का भी टर्म आता है। ओके, इस चैप्टर का नाम है पावर ट्रांसमिशन, इसी का तुम गियर बेल्ट वेल्ट सब इसी के अंदर आ जाता तुम्हारा है। उसके बाद देखो गवर्नर्स आ गया, गवर्नर्स तुमको यहाँ पे गया, ये गवर्नर्स। ओके, ये गवर्नर्स। उसके बाद प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन रिवेटेड ज्वाइंट कैम, दो कैम आ गया है। ओके, जो तुमको यहाँ पढ़ना है कैम। बियरिंग आ गया है, तुम्हारा बियरिंग कहाँ गया, देखो बियरिंग यहाँ पर आ गया। फ्रिक्शन इन कॉर्नर पिवट, ये तुम्हारा टॉपिक इसके अंदर नहीं आएगा, ये तुमको जब हम लोग 6th सेमेस्टर में जाएंगे, फिर भी अगर चाहेंगे तो इस टॉपिक को हम लोग हैं
जो ब्रेक डायनोमीटर क्लच बियरिंग्स है इसमें तुम्हारा यहाँ पे यूज हो जाएगा। ओके एंड पावर ट्रांसमिशन में भी कुछ कुछ पॉइंट को हम डिबेट कर देंगे। रिवेट ज्वाइंट तुम्हारा इस टॉपिक का पार्ट नहीं है। रिवेट ज्वाइंट तुमको पढ़ना होगा सिक्स सेमेस्टर के डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में जाके पढ़ना होगा इस टॉपिक को। तो ऑलमोस्ट तुम्हारा 90% जो सिलेबस है, 90% सिलेबस से भी ज्यादा तुम्हारा सिलेबस जो है वो तुम्हारा एसएससी का तुम्हारा इसी जेयूटी जो फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक आ गया है। तो अब हमें जो तुम जिसको तैयारी करना है वो क्या करें, अभी से जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसको अच्छा से पढ़ना है, नोट्स अच्छा से बनाना है। ओके गौर करेंगे कि ये जो चैप्टर है इसका कोई पार्ट एसएससी में नहीं है। ओके लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बीटेक करना चाहता है, बीटेक करके गेट का एग्जाम में बैठना चाहेगा या यूपीएससी के एग्जाम में बैठना चाहेगा तो ये टॉपिक ये भी इसमें आएगा और जायस्कोप भी आएगा। तो ओवरऑल तुम्हारा पूरा का पूरा जो चैप्टर्स है वो तुम्हारा बी डिप्लोमा प्लस बीटेक फ्यूचर में जो जिसको बीटेक करने का शौक है उसको वो पूरा का पूरा इसको पढ़ना पड़ेगा। और एसएससी और गेट और यूपीएससी में इस भी पूरा होल सिलेबस है। तो इसीलिए मेरा राय ये है कि तुम अभी से ही अपने एक कॉपी ले लो, पेन रखो और जो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसको एकदम अच्छा से समझो और पॉइंट बाय पॉइंट इसका सिलेबस अपना जो नोट्स है वो बनाते चले तक ताकि भविष्य में उसको फिर से पढ़ने की नौबत नहीं आ सके। तो एक ही बात अपना टाइम दो जिसको तैयारी करना है, जिसको सिंपली जेईटी पास करना डिप्लोमा डिग्री ना उसके लिए बस जितना पढ़ना हो काफी उसके लिए, उसको ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आगे आते हैं कि चैप्टर वन में क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर वन जो टॉपिक जो मैं चैप्टर वन में उसमें क्या क्या पढ़ना है जिसको देख लेते हैं ताकि सबके पास सिलेबस ऑलरेडी मौजूद है। ओके हाँ तो ये सिलेबस इसलिए हम किए ताकि समझ में आना चाहिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है या मेरा जो एसएससी जेई के सिलेबस अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो, ताकि इसलिए हम इस चीज को हम टॉपिक बाय टॉपिक को हम डिवाइड कर दिए। तो चैप्टर वन में हमें पढ़ना है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन जो एसएससी का सिलेबस है, डेफिनेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स पर डिटेल में पढ़ना हमको होगा, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स पढ़ना है, काइनेटिक्स पढ़ना है, काइनेमेटिक लिंक पढ़ना है, काइनेमेटिक पेयर पढ़ना है, कॉन्स्टेंट मोशन पढ़ना है। ओके उसके बाद काइनेमेटिक चेन पढ़ना है, ये सब काइनेमेटिक चेन बहुत क्वेश्चन आता है सब चीज है, फिर पढ़ना है मैकेनिज्म पढ़ना है, फिर मशीन एंड स्ट्रक्चर पढ़ना है, इन्वर्सन ऑफ काइनेमेटिक चेन पढ़ना, सब 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 का सब चैप्टर वन का पार्ट है इन्वर्सन ऑफ फोर बार चेन। ओके फोर बार चेन तो अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो एस एस सी के सिलेबस में देखोगे यहाँ पे तुमको वर्ड लिखा हुआ है ना कि फोर बार लिंकेज। ओके तो ये चीज वही हम यहाँ पे फोर बार पढ़ना तुमको है। ओके फोर बार चेन, फोर बार चेन इसका एग्जांपल तुमको देना है, जो गाड़ी का चलता जो ट्रेन चलता है ट्रेन का चक्का उसको समझना है, पेंटोग्राफ को समझना है, ग्राफ को ग्राफिकली देखना है, फिर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म को भी देखना हमको है, जितना भी आईसी इंजन होता है उसके बारे में पढ़ना है, फिर विथ व्हाट क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो शेपर मशीन होता है हमारा उसके बारे में पढ़ना है, फिर इन्वर्सन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक एक सब प्रकार का सिलेबस सेमन है। ओके अभी सिर्फ जानना है कि क्या क्या सिलेबस को पढ़ना है, उसके बाद हमको क्रैंक चेन ओल्डम कपलिंग पढ़ना है। ओके कॉमन मैकेनिज्म जैसे कि जेनेवा मैकेनिज्म, स्टीयरिंग जो गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है जो गाड़ी घुमाते हैं हम लोग स्टीयरिंग से, फोर व्हीलर का जो स्टीयरिंग होता है वो किस मैकेनिज्म पे वो किस मशीन कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ना है हमको, तो उसको एकर्मन स्टीयरिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। तो इस तरह का सारा पार्ट मुझे पढ़ना है चैप्टर वन से। ओके तो चैप्टर वन का ये ओवरव्यू था मेरा है। ओके है तो हम आज शुरू करते हैं चैप्टर वन के अकॉर्डिंग। अब तक किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अभी तक किसी कुछ है तो पूछो। सर जो बुक मिला था जो आप ई बुक भेजे उसमें सभी टॉपिक्स हैं ना उसमें? बिल्कुल हाँ, जो है हम जिस बुक को हम फॉलो करने वाले हैं वो एस एस रतन होगा। ओके तो एस एस रतन का ही किताब हम फॉलो करेंगे और लगभग सारा सिलेबस इसी किताब के अंदर आ जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड बुक है, एक जो मतलब कि स्टैंडर्ड राइटर इसको लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान में जो भी तैयारी करता है ऑलमोस्ट लगभग कह सकते हैं, आज की किताब तो बहुत वैरायटी आ गया, आजकल तो अलग अलग कोचिंग वोचिंग क्या करता है अपना नोट्स पब्लिश करता है, लेकिन सारा का सारा नोट्स एस एस रतन से बोल सकते हो कि बनता है। तो ये अगर कोई बुक पढ़ लिया तो कोई भी चीज को थ्योरी मशीन को दूसरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। एक तो किताब एक ये है, एक किताब है तुमको घोष मलिक का किताब है तुमको है, सॉरी अमिताभ घोष की किताब है,
वो भी पढ़ सकते हो। देखो बहुत अमिताभ घोष का किताब है, ये किताब थोड़ा सा इससे ज्यादा स्टैंडर्ड है। ओके, इसका थोड़ा लैंग्वेज अच्छा है, थोड़ा ज्यादा डायग्राम से समझाया हुआ है, ज्यादा न्यूमेरिकल से। ये किताब भी बहुत स्टैंडर्ड बुक्स है, इसमें बहुत अच्छा से समझाया, बहुत अच्छा से कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसको पढ़ने में थोड़ा तुम लोग थोड़ा डिप्लोमा लेवल हो, थोड़ा दिक्कत बहुत होगा समझने में, इसलिए इस बुक को हम रिकमेंड नहीं कर रहे, लेकिन स्टैंडर्ड बुक है। क्योंकि और मेरा जो नोट्स है, जो भी हम डिस्कस करेंगे, वो एस एस रतन और अमिताभ घोष दोनों को मिलाकर हम अपने नोट्स को मतलब तुम लोग के सामने हम रखेंगे। लेकिन तुम लोग जो हम नोट्स हम जो भेजे हैं बुक, वो एस एस रतन का ही किताब है, उसी को तुम फॉलो करो। और जो भी मैं लगभग जो सारा डायग्राम और नोट्स जो फिगर होगा वो एस एस रतन से ही लिया हुआ है। ओके, तो एस एस रतन को ही फॉलो करो, जब कॉलेज वॉलेज खुल जाएगा तो फिर किताब वताब कर लोगे। हाँ, किसी को अगर बीटेक वीटेक करना है फ्यूचर में तो किताब को परचेज ही कर ले, क्योंकि उसको फिर से बीटेक में भी एस एस रतन किताब पढ़ना ही है। तो वो मेरा ये राय है कि वो अपना किताब एस एस रतन खरीद ही ले, ताकि फिर बीटेक में खरीदने का नौबत नहीं है और उसको तैयारी करना है, तो ये सब किताब हमेशा जरूरत पड़ेगा, इसलिए इस किताब को परचेज ही कर लो तो तुम लोग के लिए सही होगा। एस एस रतन का न्यू एडिशन लेना इस किताब को। सर ये ई बुक सब कहाँ से, मतलब कोई एक सोर्स से मिल सकता है और ई बुक्स? आजकल तो गूगल में जो चीज टाइप करोगे तुमको हर चीज मिल जाएगा, गूगल में क्या नहीं मिलता है, बस टाइप करना। हम तो डाउनलोड हम तो भेज ही दिए हैं ऐसे, फिर भी ई बुक करके, ई बुक डाउनलोड कर किताब का नाम लिख दोगे वो तुमको साइट आ जाएगा, फिर सर्च मारोगे कहाँ से हम डाउनलोड कर पाएंगे हम इसको। तो ई बुक एक साइट है, ई बुक से जाकर तुम परचेस यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन ई बुक देखो जितना भी हो सके ऑनलाइन से पढ़ो, चाहे डिजिटल ई बुक पढ़ो, पढ़ाई में तुम्हारा उतना नहीं इफेक्टिव करेगा, क्योंकि जो पढ़ते पढ़ते आँख दर्द करेगा, फिर मन, क्योंकि मोबाइल का यूज करोगे तो पढ़ते पढ़ते कभी मोबाइल, कभी व्हाट्सएप से मैसेज आ गया, कभी यूट्यूब आ गया, तो फिर पढ़ाई के इंसान छोड़ के फिर उधर भूख घूम जाता है। इसलिए ये सब टेम्प्रोरी ठीक है, लेकिन एस एस रतन का किताब खरीदो, किताब से पढ़ो। ओके, किताब से पढ़ो, तुमको आज नहीं तो कल इसका फायदा जरूर दिखाई देगा। तो इसीलिए एस एस रतन किताब को कोशिश करो परचेज करने के लिए, अभी फिलहाल दुकान वुकान सब तो बंद रहेगा। तो ई बुक को पढ़ो और जो हम पढ़ाते हैं उसको फोकस करो, इस पे नोट्स बनाओ, काफी है, ठीक है। लेकिन मैं फिर से एक हम फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो डिप्लोमा इसलिए कर रहा है कि हम एक यहाँ से सरकारी जॉब लेकर जाएं, प्राइवेट जॉब नहीं, 10,000 12,000 का जॉब नहीं, बल्कि एक जॉब, सरकारी जॉब लेकर जाएं, तो उसके लिए बिल्कुल उसको मेहनत करना होगा और थ्योरी मशीन पढ़ना होगा, क्योंकि उससे बहुत सा क्वेश्चन आता है और उसको अभी से ही मेहनत करना होगा। अदरवाइज फिर बैठ के लास्ट में डिग्री मिल जाएगा, फिर डिग्री लेके, डिग्री मिलना कोई बड़ा चीज नहीं, वो मिल जाएगा डिग्री तुम लोग को। ओके, तो एस एस रतन को फॉलो करेंगे, ये पूरा का पूरा हम चैप्टर वन को एनालिस कर दिए, क्या करना है क्या नहीं करना है वो कर दिए हम। ओके, एस एस सी, और याद रखना है कि इस चैप्टर में जो तुम्हारा जो लास्ट चैप्टर है ना, चैप्टर 8 और चैप्टर 2, ये एस एस सी का पार्ट नहीं है, रिमेम्बर, ये एस एस सी का पार्ट नहीं है। फ्यूचर में बीटेक और करोगे तो वो पार्ट इसमें आएगा, फिर तुमको स्टैंडर्ड यूपीएससी का एग्जाम में और गेट के एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है। तो फिलहाल हम एस एस सी पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, हम सब कुछ पढ़ाएंगे, ज्यादा जो एस एस सी का पॉइंट होगा उसको ज्यादा हम डिटेल में पढ़ाएंगे तुम लोग को, ताकि दोबारा कहीं कोचिंग और पढ़ने की जरूरत तुम लोग को नहीं पड़े, नौबत नहीं आ जाए। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 को। आज का टॉपिक क्या हमारा है उसको देखेंगे, उस पर क्या एनालिसिस करेंगे, क्या समझ पे आ पाता है। और हर एक टॉपिक पे जरा क्वेश्चन एराइज करोगे, बाद में ऐसा नहीं हो कि सर समझ में नहीं आया, ताकि फिर दिक्कत होना, दिक्कत नहीं, उसको ठीक से पढ़ोगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन इसमें होगा। तो शुरू करते हैं मैकेनिज्म और मशीन्स। ओके, क्योंकि हमको मालूम है कि देखो अभी तुम्हारा यहाँ पे 48 बॉयज स्टूडेंट ऐड हुआ है, हमको मालूम है 48 में 40 लड़का ऐसा होगा कि जो मोबाइल ऑन करके रख कर चल गया होगा, तो वो उसे अटेंडेंस बन जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जिसको पढ़ना है, जिसको आगे कुछ करना है, वो अपना गौर से ध्यान देकर सुने। क्या सर ये बुक रांची में मिल जाएगा? सर चीज बोले? बिल्कुल, सर ये पूछ रहे हैं ये बुक रांची में मिल जाएगा, एस एस रतन वाला? दुनिया के हर जगह पे, जिस कोने पे चाहोगे वहां पे तुमको मिल जाएगा, लेकिन अब तो आजकल तो ऑनलाइन का जमाना आ गया है, ऑनलाइन से ही मंगवा लो रांची हाँ सर वो तो है, तो। लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत लगता है। अभी तो पूरा शॉप सर ऑनलाइन पूरा दुकान बंद है, किताब का दुकान भी बंद होगा तुम्हारा, अभी ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा सर। अगर नहीं मिलेगा तो फिलहाल जब तक कभी जो स्पोर्ट्स नहीं करना,
मतलब है कि फ्यूचर में अगर किसी को आगे पढ़ने का शौक है तो वो किताब खरीद ले आज ना कल परसों, एक महीना बाद, तीन महीना बाद इस किताब को खरीद ले, ये जिसको आगे पढ़ना कॉलेज जरूर कर ले वो। कॉलेज मिलेगा तो कॉलेज के लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा बुक? बिल्कुल मिल जाएगा, तो लाइब्रेरी तुमको तो परमानेंट तुमको तो नहीं ना देगा वो, तुमको तुम वापस ले लेगा फिलहाल के लिए जब तक पढ़ाई उस टाइम बाद फिर हम लोग खरीद लेंगे। फिलहाल के तुमको तो बुक हम दे ही चुके हैं और डाउनलोड भी तुम कर सकते हो, कर लिए हो। अब कॉलेज कब खुलेगा तुमको पता भी है क्या? पता कि बैठे बैठे तुम लोग को प्रमोट कर दिया जाए, उसका भरोसा नहीं लाइब्रेरी के भरोसे मत रहो। लगभग कितना प्राइस में आएगा ये बुक सर? अब तो मुझे किताब का प्राइस नहीं, देखो ना जी आजकल तो तुम लोग पास सबके पास मोबाइल है, क्लास होने के बाद वो देखना है अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट में आजकल तो पता चल जाए। सर 638 रुपए की बुक है सर, अमेज़न पे अवेलेबल है सर, डिलीवरी हो जाएगा। अब 600 इतना महंगा किताब हो गया होगा तो पता नहीं कि हम लोग तो बहुत कम सस्ता कम मिले थे। ओके तो देखो क्या हर चीज अवेलेबल, अभी देखो अभी पढ़ो उसको, उसके बाद जब आजकल सेकंड हैंड भी बुक मिलता है, सेकंड हैंड बुक जाओगे ना बहुत मिल जाता है, सेकंड हैंड किताबें खरीद लोगे, क्यों नया किताब खरीदोगे, ज्यादा पैसा क्यों फंसाओगे। जी सर। ओके ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करें, बीच बीच में डिस्कशन होते चलेगा, आज पहला दिन है तो थोड़ा सा जो भी डाउट है चैप्टर को लेके इस पे लेके हम देखना चाहते हैं। ओके तो शुरू करते हैं, सबसे पहला टॉपिक है मैकेनिज्म और मशीन्स, ये दो के बीच में, और इसी दो के बीच का पूरा थ्योरी ऑफ मशीन्स है। तो थ्योरी ऑफ मशीन्स ये बताता हमारा है कि हम मशीन्स का सिद्धांत क्या है, मशीन्स को कैसे किस किस सिद्धांत पे काम करता हमारा। तो मशीन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि मैकेनिज्म किसको कहते हैं। पहले हम सिंपल डिफिनेशन देखते हैं, किताबी डिफिनेशन जो किताबों में डिफिनेशन मिलता है उसको देख लेते हैं, फिर इसका असली मतलब को हम समझेंगे। तो मैकेनिज्म माने एक मैकेनिज्म क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशंस है, कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं एक से ज्यादा जोड़ को। ओके किसका कॉम्बिनेशंस है, ऑफ रिजिड लिंक का। अब यहाँ पे एक लिंक वर्ड आ गया है, लिंक का मतलब हो गया कि एक दो तीन चार पाँच छः पार्ट, मतलब एक से दो तीन चार पार्ट। तो एक मशीन जब बनता है, अब एक गाड़ी बनता है तो गाड़ी में बहुत सा पार्ट होता है, जैसे चक्का हुआ तुमको, फिर व्हील हुआ, स्टेयरिंग हुआ, ग्लास हुआ, फिर इंजन हुआ, तो ऐसा बहुत सारा पार्ट होता है। तो सभी पार्ट, हर एक पार्ट को लिंक कहा गया। तो थ्योरी ऑफ मशीन्स को मैं जब भी हम लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो तुम लोग समझो कि एक पार्ट का बात, सिंगल एक पार्ट का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो सभी लिंक को जब हम असेंबल करते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, अरेंज करते हैं, कैसा अरेंज करना, इस तरह से अरेंज करना, इन सच ए वे, इस तरह से अरेंज करना कि हम एक गति, एक मोशन हमें मिल सके। अब तुम्हारे पास तीन से चार पार्ट हम तुमको दे दें, अब तीन से चार पार्ट को तुमको ऐसा अरेंज करना है कि ताकि हमें एक मोशन मिल सके। अब देखो इस नीचे पिक्चर में तुमको हम कुछ कुछ पार्ट दिया हुआ, जैसे जैसे देखोगे यहाँ पर गौर करोगे, एक गोल जैसा पार्ट दिया हुआ है, मान लो एक चक्का तुमको दे दिए हैं, ठीक है, एक तुमको ऐसा एक लोहा का लिंक हम दे दिए हैं, ठीक है, एक लंबा सा लिंक दे दिए हैं, ठीक है, और एक हम तुमको ऐसा पार्ट दे दिए हैं, ये चार इसको बोलेंगे चार लिंक हुआ, लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री, लिंक फोर, ये चार लिंक है। अब चार लिंक को ऐसा असेंबल करना है, ऐसे जोड़ना है जिससे कि हमें कुछ ऐसा मोशन, मतलब बहुत बेहतरीन मोशन हमें एक मिल सके। तो यहाँ पे पिक्चर में क्या किया गया कि देखो यहाँ पे हम जोड़ दिए हैं इस चीज को, यहाँ ये जो गोल वाले को पार्ट को, दो पार्ट को यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे जोड़ दिए, फिर इस वाले जो तीन को फिर हम यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसे जोड़ दिए तीन वाले पार्ट को, और चौथा पार्ट को यहाँ पे रख दिए। ऐसा रखने से क्या हुआ, कैसा मोशन मिला है कि जब इस चीज को यहाँ से हम ढकेलेंगे तो ये क्या होगा, ये जो पार्ट है वो इधर की तरफ मूव करेगा, यहाँ तक मूव करेगा, जब ये मूव करेगा तो ये चीज इसको ढकेलेगा, जब ये ढकेलेगा तो क्या ये गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कैसा मोशन मिला, तो ये जो लिंक हुआ मेरा, ये लिंक पहले यहाँ पे था, ये लिंक मूव करके यहाँ तक पहुंचा, फिर लिंक ये पीछे की तरफ मूव किया, तो ये लिंक यहाँ से यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, तो इस तरह का आगे पीछे को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा गति को बोलते हैं, आगे पीछे करने गति का नाम क्या है, किसी कुछ पता है?
कुछ आइडिया है? टू एंड फ्रो मोशन। हाँ ठीक बोल रहे, बोलो। टू एंड फ्रो मोशन। हाँ टू एंड फ्रो मोशन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस। सिंपल हार्मोनिक मोशंस कहते हैं, मतलब इसको बोलेंगे SHM। ये सब बार बार को, बार बार चीज को रिपीट हम नहीं करेंगे आगे जाके हमें, ठीक है ना? तो मतलब टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे करने को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। और इसको क्या बोले, ये गोल गोल घूम रहा है, इसको क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशंस। तो हमें क्या मिला कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस दिए, इनपुट किए, और आउटपुट क्या मिला? रोटेशनल मोशन मिला। वाइस वर्सा, रोटेशनल मोशन देंगे तो हमें क्या मिलेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशंस मिलेगा। तो अब अगर हमें मोहर लगाना है या कह सकते हैं कुछ धक्का मारना है, इसको धक्का मारना है, मान लो यहाँ पे कुछ है, चीज है, स्टील का प्लेट है, तो धक्का मारना है, तो गोल गोल घुमाते रहेंगे तो ये धक्का मारते रहेगा, फिर वापस आएगा, फिर धक्का मारेगा, तो वापस आएगा, फिर धक्का मारेगा, वापस आएगा। तो फाइनली हमें एक मॉडिफाइड मोशन मिला। मॉडिफाइड मतलब कि हम मोशंस को बदल दिए, हम रोटेशनल मोशंस को सिंपल हार्मोनिक मोशन बदल दिए, या सिंपल हार्मोनिक मोशंस को रोटेशनल मोशन में बदल दिए। तो लिंक को हम ऐसा असेंबल किए, ऐसा अरेंज किए जिससे कि हमें मोशन मिला, मतलब मूव अपन ईच अदर, मतलब एक साथ में दूसरे साथ घूमना हुआ, विथ डेफिनेट रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब कि जब ये घुमा तो इसके साथ ये भी घुमा, ये भी लिंक घुमा, इसके साथ फिर ये भी घुमा, फिर ये गोल वाला चक्का भी घुमा। तो रिलेटिव मतलब एक के साथ दूसरे का घूमना। फाइनली मैकेनिज्म का मतलब ये हो गया कि ट्रांसमिट करना और मॉडिफाइड इमोशन, तो मोशंस को ट्रांसफर करना और या मॉडिफाइड करके भेजना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मोशंस को मॉडिफाइड कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशंस को हम रोटेशनल मोशन पैदा कर रहे हैं, और प्लस मोशंस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। मोशन को ट्रांसफर मतलब कि इस मोशन को यहाँ से हम लोग इस लिंक के होते हुए यहाँ तक पहुंचा दिए। सो दिस इज कॉल्ड द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब कि मॉडिफाइड मोशंस को क्रिएट करना ही हमारा मैकेनिज्म कराता है। अब तुम्हारे घर में घड़ी होगा या जो रिस्ट वॉच हम पहनते हैं उसमें क्या देखते हैं, उस मोशन में वो घड़ी है उसमें मोशन है? हाँ बिल्कुल मोशंस है। कैसा मोशंस है? तो उसमें देखोगे जब घड़ी का अंदर का पार्ट खोलोगे तो बहुत छोटा छोटा पार्ट रहता है और वो सारा पार्ट घूमते रहता है, तो कोई सेकंड का, कोई मिनट का, कोई घंटे का वो टाइम बताते रहता है। तो ये क्या हुआ, एक तरह का मॉडिफाइड मोशन हमें तैयार हुआ, क्योंकि जब घड़ी को खोलेंगे तो घड़ी के पीछे में छोटा छोटा पार्ट जो लिंक होता है उसको जोड़कर हम एक नया मोशन क्रिएट करते हैं। तो घड़ी हमारा एक मैकेनिज्म हुआ, ओके, कि वो एक नया मोशन तैयार हमारा सामने हो जाता है। कुछ डाउट इसमें? नो सर। क्लियर है? ओके। अब आते हैं मशीन। अब मशीन का डेफिनेशन क्या है? मशीन बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन होता है, जो कि हमें काम करने की क्षमता को आसान कर दे, उसको हम मशीन बोलते हैं। क्लियर, ये डिफिनेशन सही है। लेकिन थोड़ा सा हम थ्योरी ऑफ मशीन्स के अनुसार हम मशीन को कैसे डिफाइन करते हैं, ओके, वो क्या मतलब, मशीन का डिफिनेशन वही हुआ जो काम को आसान कर दे, ठीक है, वो सब कुछ मशीन कहलाता हमारा है। लेकिन थ्योरी ऑफ मशीन्स को थोड़ा सा और डिटेल में जब जाएंगे, मशीन्स को हम लोग हैं तो किताबी भाषा बोल सकते हो, हाँ भाई एक मशीन का डिफिनेशन किताबी भाषा क्या है, ये इसका डिफिनेशन हुआ, और आम भाषा क्या हुआ, जो कि काम करने की क्षमता को आसान कर दे, ये हुआ इजी भाषा में, आसान भाषा में करेक्ट डिफिनेशन मशीन का यही हो गया। लेकिन थोड़ा देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा कि हम थ्योरी मशीन के अनुसार हम डिफिनेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग। मशीन का मतलब क्या है कि एक मशीन एक मैकेनिज्म है, ठीक है, मशीन एक मैकेनिज्म हो सकता है या नहीं तो कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म होगा। अच्छा, मैकेनिज्म क्या है? कॉम्बिनेशंस ऑफ लिंक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ लिंक है हमारा मैकेनिज्म, और मशीन्स क्या है? कॉम्बिनेशंस ऑफ मैकेनिज्म हुआ।
which transmit the source of power to load, okay, to perform useful mechanical work. था ना useful work पैदा करना, useful काम काम को आसान कर देना, जो यूजफुल है मतलब वही काम को आसान करना. इसका मतलब क्या, जब वो भी हम समझ लेते हैं इसको हम क्लियर में कि क्या इसका मतलब हो गया. इसको समझने के लिए जरा हम नीचे की तरफ हम डायग्राम को बनाएंगे. सबसे पहले हम लेते हैं लिंक. एक लिंक, लिंक को जोड़ने से क्या बनता है, मैकेनिज्म. और मैकेनिज्म को जोड़ के क्या बनता है, मशीन्स. तो क्या मशीन में लिंक है? हाँ है. तो मशीन में क्या है, बहुत सारा लिंक है. और बहुत सारा लिंक मैकेनिज्म बनता है जिससे मशीन तैयार होता है. और मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म से हमें क्या मिलता है, मोशंस. सिर्फ मोशंस, ओके. और मशीन किसको बोलते हैं, कि हम ऐसे मैकेनिज्म को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैकेनिज्म वन, एक नाम लिख दी मैकेनिज्म वन, प्लस मैकेनिज्म टू, दो मैकेनिज्म को जोड़ के हमें मिल गया एक मशीन. तो ये एक मोशन तैयार कर रहा है, मोशंस वन. ये भी कुछ कुछ मोशन तैयार करेगा अपना, मोशन टू. इस दोनों को जोड़ के हमें एक नया जो मशीन बना वो क्या करेगा, यूजफुल वर्क तैयार करेगा. यहाँ पे जो वर्क डेफिनेशन जो हम लिखे थे, मैकेनिकल वर्क तैयार करेगा. अब एग्जाम्पल के समझो, कि बहुत आसान सिंपल एग्जाम्पल देते हैं कि इसका मतलब क्या है तुमको. सबके पास अपना बाइक होगा, ओके ना. कभी कभी बाइक में अगर होगा तो कभी देखोगे, अभी अभी क्लास ऑफ होने के बाद जाके देखोगे कि जब तुम लोग हैं बाइक को, जब तुम लोग ये मारते हो क्लच, ये क्या कहते हैं, जब ब्रेक लगाते हो, तो जब ब्रेक लगाते हो तो देखोगे कि ब्रेक का कैसे कैसे लिंक कैसे कैसे गया हुआ है, ओके है. तो उस वो हमारा एक लिंक हो गया. अब मान लो क्या चाहिए, कि एक हम लिंक तैयार किए, ठीक है ना. तो ये एक लिंक हुआ, एक दूसरा लिंक हुआ, एक तीसरा लिंक हुआ. ये तीन लिंक से हम जोड़ दिए. अब ये लिंक पे क्या है ना, कि जब यहाँ पे हम लोग कुछ अप्लाई करते हैं, कुछ हम लोग डालते हैं फोर्स, एफ, जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके वजह से क्या होता है, कि ये चीज उठ जाता है, ओके, ये इस तरह से ऊपर उठ जाता है. तो मोशन से मान लेते हैं भाई कि मोशन मेरा मॉडिफाइड हो रहा है, ओके. तो ये एक बन गया मैकेनिज्म है, ओके. अब हम क्या करते हैं, कि अगर इसमें एक हुक लगा दें और एक यहाँ पे एक लोड लग दें, डब्ल्यू लोड, ओके, लोड जस्ट लाइक क्रैंक, हम जो होता है क्रैंक जो उठाता है हम लोग का भारी भारी वजन. जब हम लोग अब W जब ऊपर उठाएगा, ओके, तो क्या कर रहा है, कि W के ऊपर कुछ काम कर रहा है, ओके. W में क्या करना, मोशन, मतलब मोशन तो हुआ, उसी मोशन का यूज अगर हम लोग यूजफुल वर्क, यूजफुल क्या वर्क क्या हुआ, कि इतना 5000 केजी का वजन को आसानी से ये उठा दिया, ओके है. तो ये हमारा उठा दिया, मतलब कि हमारा यूजफुल वर्क किया है. तो अब इसको कह दिए मशीन. जब तक ये काम नहीं किया, सिर्फ एक ढांचा तैयार था, सिर्फ ये मोशन तैयार कर रहा था, कि इसको हम ऐसे मोशन दिए तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसको कह दिया मैकेनिज्म. जब इसको हम यूजफुल वर्क में पैदा यूज किए तब ये बन गया मशीन. इसीलिए डिफिनेशन हम ऊपर लिखे हुए थे, इसलिए हमें डिफिनेशंस पे लिखे, हम यहाँ पे चीज लिखे हुए थे डिफिनेशंस में, कि मशीन एक मैकेनिज्म हो सकता है, ओके. सिंपल एक मैकेनिज्म भी एक मशीन हो सकता है, अगर वो काम में लाया जाए. यानी तो बहुत सारे मैकेनिज्म को मिलाकर हम मशीन तैयार कर सकते हैं. जैसे हमारा लेच मशीन हुआ, जैसे हमारा गाड़ी हुआ, गाड़ी में एक लिंक नहीं होता, बहुत सारा मैकेनिज्म के साथ गाड़ी का इंजन बना रहता है.
तो हम मशीन को तैयार करते हैं ताकि हम लोड को उठा सके। इसलिए बात है कि एवरी मशीन मैकेनिज्म है क्योंकि मैकेनिज्म से बना होता है मशीन से, लेकिन हर मैकेनिज्म मशीन नहीं होता है। रिमेम्बर, हर मैकेनिज्म मशीन नहीं होता क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो मैकेनिज्म मशीन में हो। जैसे हमारा घड़ी, जो हमारा घड़ी होता है वो हमारा बताता है टाइम, तो ये मैकेनिज्म है लेकिन मशीन नहीं है क्योंकि ये सिर्फ मॉडिफाइड मोशन तैयार कर जिसकी वजह से हमको सिर्फ टाइम सेकेंड मिनट आवर पता चलता है। लेकिन अगर इसी घड़ी का यूज हम लोग किसी को यूजफुल वर्क, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए हमारा, जैसे कि कोई चीज को लोड को उठाने में हो, तो हम इसको मशीन कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डिफिनेशन है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का यूज होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है क्योंकि वर्क का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क का फॉर्मूला होता है, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए हमारा बॉडी में, ओके ना। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अगर कोई चीज को उठाने में लिफ्टिंग करने में काम दे तो ये मशीन कहलाएगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं लिफ्टिंग मशीन, लिफ्ट मशीन में चलो तो मशीन क्या है, तो वो लिफ्ट क्या है कि वो काम कर रहा मोशन में। लेकिन अगर हम बैठ जाते हैं उस पर, बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो वो चीज हमको उठाता है, तो वो कहला गया अब मशीन। ओके, इसलिए मैकेनिज्म मशीन नहीं हो सकता है, लेकिन हर मशीन मैकेनिज्म हमारा हो सकता है क्योंकि मैकेनिज्म का काम सिर्फ मोशन तैयार करना होता, वर्क नहीं। ओके, और मशीन का काम होता है वर्क पैदा करना। ओके, तो मशीन मैकेनिज्म बिल्कुल होगा, लेकिन हर मैकेनिज्म मशीन नहीं होगा। आगे कि अगर मैकेनिज्म को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ओके, दो भाग, एक बोलते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक। यहाँ पे वर्ड को समझना, के आई एन ई है, एम ए टी आई सी एस, काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक मतलब कि रिलेटिव मोशंस का हमको अध्ययन करना है, लेकिन बिना फोर्स को माने हुए, मतलब फोर्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, फोर्स तो होना तय है, लेकिन हम फोर्स के मैग्नीट्यूड पर फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ हम रिलेटिव मोशंस को देखेंगे कि कितना काम कर सकते, कितना इसके मोशंस हुआ। डायनेमिक्स दूसरा पार्ट है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है रिलेटिव मोशंस को देखना, साथ साथ हमें फोर्स को भी कंसीडर करेंगे कि कितना फोर्स लगा। अब जैसे एग्जांपल, अब एक कोई गार्ड, अब कोई मान ले कि ये चीज है, अब इसके ऊपर फोर्स लगाएं एफ, तो इसमें अगर मोशंस हो रहा है तो हम सिर्फ इसके वेलोसिटी पर फोकस करेंगे कि कितना वेलोसिटी से चला, लेकिन कितना फोर्स लगा इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, इसको बोलेंगे काइनेमेटिक्स। लेकिन अगर हम फोर्स को भी देखेंगे कितना फोर्स इसके ऊपर लगा, जैसे फोर्स लगा 10 न्यूटन, तो अब हम लोग इस वेलोसिटी का कंसीडर इस फोर्स के अनुसार करेंगे, तब वो कहला गया डायनेमिक्स। ओके, तो ये हमारा डायनेमिक्स कहला गया। ओके, डायनेमिक्स को हम दो भाग बांटते हैं, एक बोलते हैं काइनेटिक्स। तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स है, ये काइनेटिक्स है, दोनों में वर्ड में अंतर है। और एक बांटते हैं स्टैटिक्स। तो काइनेटिक्स का मतलब होता है, पहले बात करना कि डायनेमिक्स में हमको मोशंस का स्टडी करना है फोर्स के साथ, ये दोनों काम होना चाहिए। तो इसमें हम स्टडी मोशन करेंगे मोशंस का, लेकिन यहाँ पे फोर्स को जब हम कंसीडर करते हैं कि मोशन करना है हमको, मतलब मोशन का स्टडी करना है, लेकिन टोटल जब बॉडी फोर्स के साथ, मतलब यहाँ पे फोर्स है मेरा, तो फोर्स का कंसीडर करना है बॉडी मोशन के साथ। स्टैटिक मतलब होता है कि जब बॉडी रेस्ट है और रुका हुआ है, और तब ये पता करना है कि बॉडी रुका हुआ है तो कितना फोर्स इसके ऊपर लगा हुआ है। तो फोर्स लगना है जब बॉडी हमारा रेस्ट या स्टेशनरी हमारा हो जाता है, तब फोर्स का कंसीडर करेंगे किस कंडीशन पर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ हमारा है। तो ये हो गया मोशन। फॉर एग्जांपल समझ इसको कि एक चौकी है, एक मतलब एक टेबल हो गया मेरा। अब ये टेबल क्या है, रेस्ट है। तो हम इसमें करेंगे कंसीडर कि आखिर रेस्ट है तो क्यों रेस्ट है।
तो हम फोर्स को फोकस करेंगे इस पे कि क्यों आके क्यों बीन फोर्स तो लग रहा है, जैसे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो फोर्स लग रहा है, इसके अलावा और भी कुछ कुछ फोर्स लग रहा है जिसके वजह से ये रुका हुआ है। तो बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स का कंसिडर करेंगे, जब बॉडी मोशन है तब हम फोर्स का कंसिडर करेंगे। तो डायनेमिक्स को हम दो भाग में ये बांट देते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो अभी तक डायनेमिक्स काइनेमेटिक्स पढ़े हैं, तो ये हमारा जो टॉपिक था, जो सिलेबस का पार्ट था, ऊपर में देखो ये पार्ट हमारा भी कवर हुआ है। ओके, काइनेमेटिक्स मशीन पढ़ लिए, डिफिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़ लिए, डायनेमिक्स एंड एस्थेटिक्स पढ़ लिए, एंड काइनेटिक्स पढ़ लिए। ओके, अब आगे हम चलते हैं कुछ कुछ पार्ट को देखते हैं क्या क्या हमारा होता है उसको देखेंगे। पहले हम लोग हैं अब मैकेनिज्म के बिहेवियर को समझ। देखो हम जो सिर्फ वर्ड पे है तुमको मैं एक्सप्लेन करेंगे, पूरा किताब जब पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजन पैदा होगा, सिर्फ हम टू दी पॉइंट यहाँ पर लिख के हम पूरा चीज क्लियर करेंगे क्या मतलब का होगा। अब मैकेनिज्म के बिहेवियर को समझना है, बिहेवियर मतलब उसके व्यवहार को समझना है, मतलब उसके मोशन को समझना है, रिलेटिव मोशन कितना होगा, डायनेमिक्स है कि स्टैटिक्स है कि काइनेमेटिक्स है। हम मशीन का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म का, क्योंकि मशीन बनता है मैकेनिज्म से। जब मैकेनिज्म ही नहीं बनेगा तो मशीन का बनना नामुमकिन है। तो मैकेनिज्म मतलब कैसे हमारा मोशन तैयार हो रहा है, तो इसके बिहेवियर को समझना होगा कि कैसे होगा। उसको दो चीज से समझते हैं, पहले समझते हैं नेचर ऑफ कनेक्शन कि मैकेनिज्म बनाने के लिए किस तरह का कनेक्शन है, और दूसरा पर पढ़ते हैं कि रिलेटिव मोशन किस तरह का होगा। तो देखो यहाँ पे तो ये जो नेचर ऑफ कनेक्शंस है, जो नेचर ऑफ कनेक्शंस है बिटवीन लिंक, इसी को बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर। तो काइनेमेटिक पेयर का मतलब हो गया कि दो लिंक के बीच का कनेक्शन कैसा है, नेचर ऑफ कनेक्शन कैसा है, उसको बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक पेयर। तो यहाँ पे दो तरह का लिंक है, एक लिंक वन, यहाँ पे एक लिंक टू है, तो लिंक वन और यहाँ पे लिंक टू है, दो लिंक को जोड़ दिया गया है। तो यहाँ से एक क्लिप से या एक पिन के जरिए से यहाँ पे जोड़ दिया गया है, तो ये कहला गया काइनेमेटिक। दो काइनेमेटिक लिंक है और दो काइनेमेटिक लिंक को जोड़ने से क्या बनता है, काइनेमेटिक पेयर बनता है। तो ये पेयर हो गया। ओके, पेयर मतलब जो दो चीज कपल। तो यहाँ पे लिंक वन लिंक टू हमारा हो गया, तो लिंक तो काइनेमेटिक लिंक क्या मतलब होता है, लिंक का मतलब हो गया कि जिससे हमें काइनेमेटिक पेयर तैयार किया जा सके। तो काइनेमेटिक लिंक का मतलब होता है जिससे हम काइनेमेटिक पेयर तैयार करते हैं, उसको काइनेमेटिक लिंक बोलते हैं। यह कह सकते हैं कि जिस लिंक को जोड़ के हम मैकेनिज्म या मोशंस या मोशन मॉडिफाइड तैयार कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं काइनेमेटिक लिंक। तो यहाँ पे दो लिंक है, लिंक वन लिंक टू जोड़ दिए, अब हम चाहेंगे तो एक लिंक को और जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया लिंक थ्री। यहाँ पे लिंक वन लिंक टू लिंक थ्री, तो तीन लिंक के जरिए से क्या बन गया है, काइनेमेटिक पेयर बन गया है। ओके, लेकिन यहाँ पे बिटवीन लिंक्स कहा जा रहा है, बिटवीन लिंक्स का मतलब हो गया दो लिंक के बीच। अगर तीन लिंक होता तो यहाँ पे वर्ड होता है एमोंग, एमोंग होता बीच में। तो यहाँ पे दो लिंक के बीच का जो कनेक्ट पेयर है, ये किस तरह का पेयर से जुटा हुआ है, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर। तो जब भी हम पेयर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे समझ जाओगे कि दो लिंक का बात हो रहा है। चलो तो हम ऐसा करते हैं कि हम ऊपर चलते हैं, हम फर्स्ट चलते हैं, फर्स्ट जो फिगर है इस फिगर को देखते हैं, थोड़ा सा हम मिटा देते हैं कुछ चीज को। सर पेयर बोलेंगे क्या चीज, लिंक अगर थ्री रहेगा तो इसको पेयर बोलेंगे ना। हाँ, उस सब का सब देखो, वो मेरा लिंक यहाँ पे दो ठो जोड़े हुए हैं यहाँ पे हैं, तो लिंक पेयर जब भी होगा दो लिंक के बीच में होगा, दो लिंक के बीच को बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर। अब जैसे कि अब ये हो गया पेयर, ये जो पेयर इसको बोलते हैं लिंक वन और लिंक टू के बीच का पेयर हुआ, तो ये भी तो पेयर हो गया, तो ये हो गया लिंक टू और लिंक थ्री के बीच का पेयर हो गया, तो ये हो गया, ये भी हो गया पेयर, ये हो गया दो और तीन के बीच का पेयर, ये हो गया दो और एक और दो के बीच का पेयर। उस तरह से और लिंक जोड़ देंगे तो ये दोनों हो जाएगा तीन और चार के बीच का पेयर। तो पेयर जब भी होगा दो के बीच में होगा। मेरा भी स्क्रीनशॉट ले लोगे मतलब फिर से ज्वाइन करो, काइनेमेटिक
फिर से क्लास को ज्वाइन करोगे, क्लास का टाइम जा रहा मेरा है, स्क्रीन शॉट लेके फिर से क्लास को ज्वाइन करोगे। सर तो काइनेमेटिक पेयर मतलब दो ही पेयर, दो ही जब बिल्कुल बिल्कुल दो ही रहेगा जब ज्वाइंट हुआ एक साथ तब हाँ उसको बोलते हैं पेयर।